श्याम विहार में पार्क में स्थित प्राचीन बावड़ी इन दिनों यहाँ के निवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। बताया जाता है कि ये बावड़ी कई स्थानों से जर्जर होकर ढह गई है। साथ ही इस बावड़ी के निकट बने मंदिर की दीवारों में भी दरारें आ गई है। क्षेत्रवासी मुरलीधर कास ने लोकवाणी को बताया कि श्याम विहार कॉलोनी स्थित पार्क में स्थित बावड़ी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कई जगह से धसकर पानी में समा चुकी है। टाइलें टूट गई है और कबूतर खाना भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस बावड़ी के पास एक जैन मंदिर व हनुमान मंदिर बना हुआ है, जिसमें भी दरारें आ चुकी है। मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, जिससे उनमें भय बना हुआ है। कास ने बताया कि क्षेत्र में एकमात्र पार्क होने से कॉलोनी के बच्चे इस पार्क में खेलते रहते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। बावड़ी में एक पेड़ भी लगा हुआ है, जो इसकी एक हिस्से के धसने के बाद अब वो भी कभी भी गिर सकता है, जिससे भी हादसे का अंदेशा बना हुआ है। वहीं क्षेत्रवासी सतीश कास्ट ने लोकवाणी को बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व प्रशासन द्वारा जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई बावड़ियों का जीर्णोद्वार करने का निर्णय लिया गया था और इस अभियान का शुभारंभ भी श्याम विहार स्थित इस बावड़ी से किया गया था। करीब 1.5 माह पूर्व बावड़ी की थोड़ी सी दीवार ढहते ही क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को अवगत करा दिया था, लेकिन समय रहते सुध नहीं लेने के कारण बावड़ी पूरी तरह ढहने के कगार पर पहुंच गई है। क्षेत्रवासियों ने विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी को भी मौके पर बुलाकर समस्या से अवगत करवाया था। साथ ही पार्षद इंदु बंसल के द्वारा सभापति राकेश पाठक को भी इस बावड़ी की सुध लेने की मांग की गई है। क्षेत्रवासी परसराम लड्डा, शंकर नाहटा, सत्यनारायण मालू, ओम प्रकाश कास्ट, योगेश विजयवर्गीय, धीरज कोयल समेत क्षेत्र की महिलाओं ने भी प्राचीन बावड़ी की दयनीय स्थिति को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और तुरंत प्रभाव से इस बावड़ी की सुध लें, इसका पुनः निर्माण कराने की मांग की है। श्याम विहार से देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। बारिश का मौसम शुरू होते ही जल जनित हादसों में वृद्धि हो जाती है और स्थानीय प्रशासन इस ओर लोगों को आगाह करता है कि जहाँ जल जनित हादसे होने की आशंका हो वहाँ नहीं जावे और सरकार सूचना मिलने पर उसके ऊपर तत्काल एक्शन भी लेती है। लेकिन अभी हम आए हैं श्याम विहार के अंदर, जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी है जो पूरी तरह से यहाँ ढह चुकी है। अगर हम बात करें इस बावड़ी के बारे में, तो जो प्रशासन ने जो पुरानी जो बावड़ियाँ थी इनका जीर्णोद्धार का जो कार्य हाथ में लिया था, तो सबसे पहले इसी बावड़ी का यहाँ चयन हुआ था और इस बावड़ी पर लाखों रुपये लगाकर इसको पूरी तरह से व्यवस्थित करवाया गया था। लेकिन अब स्थिति यह है कि यह बावड़ी पूरी तरह से ढह चुकी है। स्थानीय क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह बावड़ी की जब पहली बारिश के अंदर थोड़ी सी दीवार ढही थी, उसी वक्त इन्होंने स्थानीय पार्षद के मार्फत नगर परिषद को इस बारे में अवगत करा दिया था, लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा इसकी सुध नहीं लेने की वजह से यह बावड़ी लगातार यहाँ ढहती जा रही है और अभी हम देख सकते हैं कि यह बावड़ी पूरी तरह यहाँ पर ढह चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बस्ती के बीच में है और कॉलोनी के बीच में होने की वजह से यहाँ पर दिन भर बच्चों का जमावड़ा लगा रहता है और ये अकेला पार्क होने की वजह से दिन भर यहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं और ये बावड़ी पूरी तरह से यहाँ जर्जर हो चुकी है और ये धीरे धीरे यहाँ पर रिस रिस कर ये पूरी यहाँ कुएं में समा रही है, पानी के अंदर धीरे धीरे पूरी मिट्टी के अंदर धीरे धीरे यहाँ रिस रही है और हम देख सकते हैं कि पूरी टाइलें सहित ये करीब 20 से 25 फीट लंबी दीवार पूरी तरह से यहाँ पानी में समा गई है। लेकिन स्थानीय पार्षद के मार्फत नगर परिषद को अवगत कराने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली, जिससे यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे साथ अभी मौजूद है क्षेत्रवासी, इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में कब आपने प्रशासन को अवगत कराया था। हमारा वार्ड 43 नंबर है, हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले पार्षद को किया था और हमारे सभापति महोदय को भी हमने व्हाट्सएप द्वारा फोटो भेजे थे, उनके पास भी मिल के आए थे, उन्होंने बुला के करवाते हैं, आश्वासन मिला है। अब मेरा ये मानना है कि प्रशासन चाहता है कि यहाँ पर कोई हादसा हो, दुर्घटना घटे, उसके बाद में जागृत हो, तो पहला यह कि भाई पहले से जग जाए, तो हमारी कोई कमी हो कॉलोनी वासियों की, तब तो उनकी बात समझ में आती है। हम उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई हादसा घटित हो सकता है हमारी जागरूकता से, तो भी वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो दुर्घटना का इसका मतलब तो दुर्घटना का घटने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग। पहली बार सूचना कब दिया आपने? लगभग 1.5 महीने प्लस हो गए, थोड़ी दीवार ढहने के बाद। हाँ, थोड़ी दीवार ढहती, इधर कबूतर खाना है उधर की भी दीवार नहीं ढहती, उसमें सपोर्ट लगा हुआ था पिल्लर का, उनको बोला कि ये पूरी गिर जाएगी, उन्होंने बोला कि अभी बारिश का टाइम है, हम करवाते हैं, पर अभी कुछ नहीं हुआ। अब वो घटना घटने का, दुर्घटना घटने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई दुर्घटना घटे फिर आवे। हमारे लोकप्रिय विधायक भी आके गए यहाँ पे, उनको भी बताया गया, उन्होंने इसके लिए लगभग 10 लाख का पार के लिए कोई बजट भी पास कर रखा है, पर अभी काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन मिला। इस बावड़ी का जीर्णोद्धार कब हुआ था? लगभग 2-1 साल पहले जब सभी बावड़ियों का जीर्णोद्धार शुरू हुआ था, तो सबसे पहले श्याम विहार बावड़ी का चयन किया गया, जिसके अंदर विधायक सभापति उस समय के थे जो आके यहाँ उद्घाटन किया था, इसका जीर्णोद्धार हुआ था। 2 साल से ऊपर हो गए हैं इसको, अभी कॉलोनी के सभी छोटे बच्चे यहाँ पार्क में खेलते हैं और ये स्थिति ऐसी है कि ऊपर तो टाइलें हैं, नीचे ज़मीन अंदर खिसक गई है, इसलिए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है,
पार्षद को, सभापति को, विधायक महोदय सबको अवगत करा दिया है। बिल्कुल, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस बारे में अवगत कराने के बाद भी इस बावड़ी की यहाँ सुधनी ली जा रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर हो चुके हैं, जो कबूतर खाना पूरा ढह कर ये बावड़ी के अंदर समा गया है। साथ ही लगातार यहाँ के जो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये रोज ये टाइलें वगैरह पूरी मिट्टी इस बावड़ी के अंदर समा रही है और यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस कुशाम विहार के अंदर एकमात्र पार्क है जहाँ पर दिन भर यहाँ बच्चों का जमाड़ा लगा रहता है, तो यहाँ के जो परिजन है, अभिभावक है, हमेशा उनके मन में किसी अनहोनी को लेकर अंदेशा बना रहता है और वो इस बावड़ी की वजह से बच्चों को अभी करीब 10 दिन से उन्होंने घरों में कैद कर रखा है कि कहीं कोई भूलवश इस बावड़ी के अंदर कोई दुर्घटना का शिकार ना हो सके। हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से, लोकवाणी के माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई जल जनित हादसे का कोई केंद्र हो तो उससे अपने बच्चों को दूर रहे ताकि कोई दुर्घटना होने से बचा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली।